जैसा कि हमें सभी को विदित है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं और जो लिफाफे आपको मिलते हैं सांवैधानिक और असांवैधानिक लिफाफे, किस लिफाफे पर आपको क्या नोट करना है, क्या लिखना है, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको एक PDF डाउनलोड करनी होगी और उस PDF में जो सामग्री है उसको कटिंग करने के बाद आप लिफाफों पर चस्पा कर लीजिएगा। हेलो साथियों, नमस्कार। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो ये जब आप लिफाफे बना रहे होंगे और किस लिफाफे पर कितना कुछ जानकारी लिखना होगा, ये एक एक लिफाफे की जानकारी यहाँ पर है। ये तो ये डिटेल सभी में लिखना होगा। इससे बेटर होगा कि यदि आप ये डिटेल नहीं लिखना चाहते हैं तो इसका इस PDF से आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा और जब आप प्रिंट निकलवाएंगे तो एक एक लिफाफे पर आप चपकाते चस्पा कर लीजिएगा इनको, और चस्पा करने से आपको ये लिखने का काम बच जाएगा, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से ये काम आप कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो इसको आप निकलवाएं कहाँ से, तो उसके लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से इसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करें और क्लिक करने के बाद में ये PDF आप डाउनलोड कर लें और उसके बाद में इसका प्रिंट आप निकलवा लें। तो ये पोलिंग ऑफिसर के लिए 1st, 2nd, 3rd बूथ पर कृपया मास्क पहन कर, ये सब दिशा निर्देश जो हैं ये भी आप निकलवा के चस्पा कर सकते हैं। बहुत ही आसान काम रहेगा आपके लिए लिखने में भी और अन्य तरीका से। ये फर्स्ट वाले के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, इसका प्रिंट आप निकलवा लीजिएगा। मतदान पे पूर्व के प्रपत्र कौन कौन से भरने हैं, जैसे मतदान स्थल के क्षेत्र के संबंध में सूचना कोई भरनी हो, यदि कोई समस्या है वहाँ पर, तो वो लिख सकते हैं। मतदान अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र, एजेंट के हस्ताक्षर करवाना, मतदान के प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी की घोषणा, एजेंट के हस्ताक्षर करवाना, मत पेटी अनुवर्ती पेटी, जो दूसरी पेटी जब पहली वाली भर जाएगी दूसरी वाली जब भरनी हो तो अनुवर्ती के प्रयोग के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा पत्र, पत्र मुद्रा लेखा यानी कि जो आपका ग्रीन पेपर सील होगा पेटी को सील करने के लिए उसको भरना। उसके बाद मतदान के दौरान कौन कौन से प्रपत्र भरने हैं, तो उसके दौरान आपको ये सामान्य जानकारी दी जा रही है। पीठासीन अधिकारी की डायरी है, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को रद्द करना जैसे किसी कारण से, आयु के संबंध में निर्वाचक द्वारा घोषणा का प्रारूप, निर्वाचक की आयु के संबंध में प्राप्त घोषणा की सूची, दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग मतदाताओं की सूची, दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा और थाना प्रभारी को शिकायती पत्र, मतदान स्थगन की सूचना, मतपत्र लेखा, निवदत्त जिसे टेंडर वोट कहते हैं मतपत्र की सूची, अभ्याक्षेपित या चैलेंज वोट की सूची, अभ्याक्षेपित या चैलेंज किए गए मतदाताओं के संबंध में जमा राशि की रसीद, मतदान की समाप्ति पर आपको कौन कौन से प्रपत्र भरने होंगे जैसे कि मतदान के अंत में घोषणा, मतदान लेखा की पावती, रिसीट, मेमो, तो ये सभी सामग्री आपको भरनी होगी। उसके बाद में जो कागजात, आवश्यक कागजात जिस पर हस्ताक्षर करवाने हैं, एड्रेस टैग जिसमें एजेंट के हस्ताक्षर होना जरूरी है। तो इस प्रकार से ये जानकारी आपको मैं छोटे से वीडियो में दे रहा हूँ। यदि आपने अभी तक इसका प्रिंट नहीं लिया है तो ये लिखने से बचने के लिए आप इसका प्रिंट जरूर करवा लीजिएगा और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सामग्री, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।